पूज्यदान रत्न विजय जी महाराज साहिब 2 वर्ष पहले अषाढ़ सुदी पांचम के दिन गोरेगांव में जिनका देवलोक गमन हुआ था, प्रभु महावीर स्वामी का च्यवन कल्याणक था। इस वर्ष 4 जुलाई 2022 को उनकी दूसरी पुण्यतिथि आ रही है। इस दिन से जैन मीडिया पर कुछ विशेष होने वाला है, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पूज्य दान रत्न विजय जी महाराज साहिब ने वो कर दिखाया जो नियरली इम्पॉसिबल था। समय के साथ बह जाने वाली कई घटनाएं और व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अतीत के वासी होते हुए भी वर्तमान को महकता रखते हैं। बारिश का निर्मल जल तो मिट्टी में मिल जाने के बाद ही सुगंध फैलाता है, परंतु निर्मल जीव तो मिट्टी में मिल जाने से पहले भी सुगंध फैलाता है और बाद में भी। ऐसे ही एक उत्तम महात्मा मुनिराज श्री दान रत्न विजय जी महाराज साहिब, जो जीवन काल में अनुकरणीय थे और जीवन के पश्चात चीर स्मरणीय हुए। इनका जीवन देख याद आते हैं खंडक आचार्य के शिष्य, स्वयंभव आचार्य के शिष्य मनक मुनि। जिस तरह मनक मुनि ने अपने गुरुदेव श्री की शिक्षा प्राप्त कर अंत समय में उनके श्री मुख से निर्यामणा की भव्य आराधना करके सदगति को साध लिया, ठीक उसी तरह मुनिराज श्री दान रत्न विजय जी महाराज साहेब ने भी अपने गुरुदेव आचार्य श्री पुण्य रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब तथा आचार्य श्री यशो रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब की शिक्षा प्राप्त करके उनके मुखारविंद से निर्यामणा की भव्य आराधना करके सदगति को जीता। इस पराक्रमी की विजय गाथा आनंद तथा दुख दोनों का अनुभव कराया ऐसी है। उन्होंने जो पाया उसकी खुशी, उन्हें जो खोया उसका गम। तो चलिए चलते हैं उनकी दूसरी पुण्यतिथि अषाढ़ सुदी पांचम 4 जुलाई 2022 से हर सोमवार को खुशी और गम का अनुभव कराने वाली यह दिव्यात्मा के जीवन की समाधि यात्रा के सफर में, यानी कि पूज्य दान रत्न विजय जी महाराज साहिब के जीवन के ऐसे ऐसे प्रसंग जो पत्थर दिल व्यक्ति को भी हिला देंगे, वो हम प्रस्तुत करेंगे। इस सीरीज का नाम होगा समाधि यात्रा। ऐसी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल घटनाएं जो हमें जीवन में कभी भी हार नहीं मानने को मजबूर कर देगी। जिन शासन मिला, प्रभु महावीर मिले, पंच महाव्रत धारी साधु साध्वी जी भगवंत मिले, फिर भी हम में से कई लोगों को जब जीवन में तकलीफ आती है तो जीवन अंत कर देने तक का ख्याल हम में आ जाता है। जब हम पूज्य दान रत्न विजय जी महाराज साहब के जीवन की घटनाएं जानेंगे तो ऐसे ख्याल परमानेंटली हमारे दिमाग में से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। इनके बारे में लोगों को जब पता चला तो कईयों ने पूछा था कि इनको क्या बीमारी हुई थी। कुछ नादान लोगों ने ये तक कह दिया कि इनको भोजन नहीं दिया गया इसलिए ऐसा हुआ। कुछ लोगों ने तो ये तक सोच लिया कि इन्होंने अनशन कर लिया है इसलिए ऐसा हुआ। ऐसी अनेकों गलत फहमियां भी दूर हो जाएगी। तो अगले हफ्ते से अर्थात उनकी दूसरी पुण्यतिथि से लगभग हर सोमवार को प्रस्तुत करेंगे पूज्य दान रत्न विजय जी महाराज साहेब की समाधि यात्रा। बने रहिए जैन मीडिया के साथ। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तुम इच्छा में दुकड़म। जय जिन शासन, जय महावीर।